न्यू फ्रेंड्स, सभी लोग का चैनल में स्वागत है। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करना कर लेना, वीडियो एंड तक देखना तो कि ताकि दोस्तों जो भी आपके नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड डाउट है, आरआरबी एनटीपीसी फेज़ वन की आ चुकी है और ऑब्जेक्शन अभी रेज करने का टाइम चल रहा है। तो दोस्तों अभी काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोज आ चुके हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में, तो मैं आपकी नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड सारी क्वेरी सोल्व करने वाला हूँ, जो मिथ्स है वो बस्ट करने वाला हूँ दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बारे में। अगर आपने ये सब चीज़ें ध्यान रखिया किया है तो आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। नॉर्मलाइजेशन के लिए किन लोग को टेंशन लेना चाहिए, और दोस्तों सभी लोगों से रिक्वेस्ट है नॉर्मलाइजेशन के बारे में सोच के आप टाइम वेस्ट ना करें, इमीडिएटली सीबीटी 2 की प्रिपरेशन करें, या फिर आप ग्रुप डी वाले एस्पायरेंट हैं तो इमीडिएटली आप प्रिपरेशन करते रहे। ये इन सब चीज़ों में नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ेगा, किसी के पहले 20 बढ़ा था, कोई स्क्रीन शॉट शेयर कर रहा पुराने वाले का, उसके इतने से इतना बढ़ा, दोस्तों इन सब चीज़ों से कुछ बदलने वाला नहीं है आपके लिए। आपके लिए जो अगर कोई चीज़ बदलेगी, आपका अगर सलेक्शन कराएगी, तो आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन। तो इसीलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है अपना समय खराब ना करें, टाइम दोस्तों इज इक्वल टू मनी। तो दोस्तों टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टाइम को आप अच्छे से सही तरीके से यूज करें, टाइम को बर्बाद ना करें। दोस्तों ये नॉर्मलाइजेशन के वीडियोस देख देख के कोई मतलब नहीं निकलने वाला है नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, ना ही यूट्यूब चैनल किसी का कंट्रोल है दोस्तों, कोई किसी का कंट्रोल नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन है दोस्तों, अगर आपने ईमानदारी से क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, और दोस्तों अगर आपने एक्यूरेसी ठीक रखी है, दोस्तों एक्यूरेसी हर एक एग्जाम, कोई सी भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता है। अगर आपने ज़्यादा गेस नहीं किए हैं, ज़्यादा तुक्के नहीं लगाए हैं, तो दोस्तों जैसे मान लीजिए आपने 80 किए हैं, 80 की आपने ईमानदारी से आपकी प्रिपरेशन के लेवल के अकॉर्डिंग, और अगर आपके 5, 7, 8 गलत हुए हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 10% टॉलरेंस लिमिट मान के चल लीजिए आप, कि अगर आपने दोस्तों जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए उसका 10% आपने गलत किया है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नॉर्मलाइजेशन आपका कुछ नहीं करेगा, चाहे आपका दोस्तों इजी शिफ्ट में पेपर हो, चाहे टफ पेपर शिफ्ट में पेपर हो। तो दोस्तों आपकी प्रिपरेशन लेवल, आपने अच्छी प्रिपरेशन की है और अच्छे से अटेम्प्ट किया है, तो आपको बिल्कुल भी नॉर्मलाइजेशन से डरने की जरूरत नहीं, इमीडिएटली जाके CBT 2 में लग जाओ। दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर जो बढ़ेगा वो तो अभी रिजल्ट आएगा जब पता चल जाएगा, लेकिन फालतू में गेस करने में कोई आपका सटीक कितना बढ़ेगा कितना घटने वाला है कोई भी नहीं बता सकता कोई भी। तो आप अपना टाइम बर्बाद ना करें, तैयारी में समय दे ताकि आपकी तैयारी प्रैक्टिस और बेहतर हो सके। जीके में आपको पता है कितना डाइवर्स पूछता है, साइंस, करंट अफेयर्स, उसके अलावा हिस्ट्री कैसे पूछता है, ज्योग्राफी किस तरीके से पूछ रहा है, तो पेपर में ही आपको बहुत सारी चीज़ें पूछी जा रही। तो आप प्रिपरेशन में लगाएंगे तो आप ज़्यादा चीज़ें कवर करके जाएंगे, तो CBT 2 में आपका परफॉरेंस और ज़्यादा बेहतर हो सकेगा दोस्तों। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट, इमीडिएटली प्रिपरेशन में लग जाइए CBT 2।